हिमाचल में बरसात का कहर जारी है। 9 सितंबर को हुई बारिश से कुछ क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। मौसम खराब होने से मनाली व लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात भी हुआ है। बता दें कि मनाली के पास 17 मील में भारी बारिश से नाले में बाढ़ सी आ गई और सड़क पर भारी मलबा आ गया। मलबा आने से पानी का बहाव अवरुद्ध होने से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। कुल्लू जिला में बारिश के कारण करीब 21 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। दूसरी तरफ शांगचर के पास हुए भूस्खलन से एचआरटीसी की बस दलदल में फंस गई। उधर हिमाचल के किन्नौर जिला में नेशनल हाईवे 5 पर पागल नाला और अन्य जगह भी बारिश के चलते सड़क पर मलबा आ गया। इसके चलते एनएच बंद रहा, जिसे बाद में बहाल किया गया। आपको बता दें कि कल भी हिमाचल के शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा के निचले क्षेत्रों में भारी बारिश सहित आंधी और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ 12 सितंबर को आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी और नालों की तरफ न जाने की हिदायत जारी की गई है। वहीं हिमाचल में 16 सितंबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जताई है।